बाइक की टेंशन है कि बाइक कैसे चोरी हो जाए। तो बॉयज अभी मेरी खुशी का आलम अलग ही है। तो आधा काम हो गया है, अभी ये वाला पार्ट जो है व्हाइट आ जाएगा। मैं समझ रहा था कि हम XXR डाल रहे हैं, लेकिन भाई ने सरप्राइज किया कि हम जो है XXR नहीं डाल रहे हैं। ऐसी कौन सी है इस दुकान पे जो है ए टू जी हर चीज रखी है बाइक की। आप सब्सक्राइब कर दें भाई, से हमने सब्सक्राइब भी करवा दिया। इन रिम्स से गाड़ी जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनावर खान, अनदर डे अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है इंजन चेंज करवा दिया था K70 का। तो इंजन अलहमदिल्ला लग गया था, सब कुछ सही था। आज भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज इंशाल्लाह रिम्स इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं इस दिन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था जब से गाड़ी आई थी। तो वी आर फाइंडिंग अ गुड सेट ऑफ रिम्स। तो एक रिम्स का सेट हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से, ये एक्चुअली हमारा नहीं है, ये भाई के फ्रेंड का है। तो ये तो भाई की फ्रेंड की गाड़ी में लग जाएंगे, लेकिन हमें दूसरे लिए हैं हमने, तो अभी वहीं जा रहे हैं उसको इंस्टॉल करवाते हैं। वो गाड़ी तो ये खड़ी हुई है, आप इसमें रिम्स देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा टायर डला हुआ है, ये जो आई गेस 13 इंच का डला हुआ है। हाँ 13 का डला हुआ है, और रिम साइज़ काफ़ी छोटा है, इसकी वजह से गाड़ी में लुक्स नहीं आ रहा। इसकी प्रोफाइल ही बहुत ज़्यादा, तो जब आप गाड़ी घुमाते हैं तो ये उछलता है, क्योंकि अच्छा नहीं है गाड़ी के लिए। तो फिलहाल अभी जो है इसमें रिम्स चेंज करवाते हैं। पीछे वाला बम्पर भी रिमूव हो गया था और एग्जॉस्ट भी लग गया है माशाल्लाह से, मैंने अभी देखा ही। रिम्स अभी गए हैं, रिम जैसे आते हैं तो लग जाएंगे इंशाल्लाह, और ये वाला काम भी हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन रिम्स से गाड़ी जो है ऑब्वियसली बहुत बुरी लगी है। जो हमने इंस्टॉल करवाए हैं XXR हैं 15 इंच में, XXR हैं 15 GJ में। स्पेयर में चलना ये XXR हैं 15 इंच में 8.25 GJ में। तो इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं गाड़ी क्या लुक निकल के आती है। अच्छा तो बॉयज़ देयर इज़ अ कैच। असल में हुआ ये था कि रात को एक दिन पहले भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी थी XXR रिम्स की, इसका शॉट आपने पहले देख लिया। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यार डीप डिश रिम्स हों, ताकि गाड़ी अच्छी लगती है ऑब्वियसली डीप डिश रिम्स में। बट हुआ ये था कि ये गाड़ी में काफ़ी टाइम से जो है इसके पुराने रिम्स लगे हुए थे, इस पर गाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उस वक्त डन कर दिया था, आई वॉज लाइक कि यार इसको बाद में फिर इन फ्यूचर इसको सेल करके हम जो डीप डिश ले लेंगे। तो मैं इस टाइम तक मुझे यही लग रहा था कि हम इसमें XXR ही डलवाने वाले हैं, बट इन द फ्यूचर जो होगा वो आप लोग देख ही लेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हम लोग करौला की स्टेट बनवाने के लिए आए हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कटिंग चल रही है, उसी डिज़ाइन में बनवा रहे हैं जो हम हमेशा बनवाते हैं येलो और ब्लू। तो टाइम वे रखे हैं क्योंकि गाड़ी का वो उठता है। और यहाँ पे जो है नंबर प्लेट का काम हो रहा है, वहाँ पे हमने सिर्फ उसकी पीस की थी, यहाँ पे जो है पूरी लंबरिंग वगैरह होगी, कि पूरी 22 ही मार्केट है, तो यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, यहीं पर आ रहा है। अभी हम लोग जो है वाटर पंप की मार्केट में हैं, और ये बाइक वाटर पंप की बाइक मार्केट जो है बाइक लवर्स के लिए एक हेवन है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। एक ए टू जी जो आप चीज़ बाइक यहाँ पे
खरीद के प्रॉपर बना सकते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है तो यहाँ पे जो अच्छा काम होता है नंबर प्लेट्स का, तो हम लोग भी वहीं पे आए हुए थे, नंबर प्लेट लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे गाड़ी में रिम डाल रहे हैं। एस यू कैन सी ये इस दुकान पे जो है ए टू जी हर चीज़ रखी है बाइक की, आप कुछ भी चाहें, या मॉडिफिकेशन हो सकता है, इंडिकेटर हो सकते हैं, यहाँ पे आपके जो लाइट्स होती हैं हर चीज़ होती है। और यहाँ पे बॉर्डर पे गली में बैठे हैं भाई, है यहाँ पे आकर आप दुकान पे देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहला सब्सक्राइब कर दो भाई से, हमने सब्सक्राइब भी करवा लिया है भाई से, हमने सब्सक्राइब करवा लिया है और इंशाल्लाह इसको भी ब्लॉग में डालेंगे। फ्री के साथ कौन सा अच्छा लगेगा भाई? फ्री की जगह कोई आता है? फ्री की जगह ऐसी उल्टा त्री आता है भाई? ओ भाई वो एनसीबी करवा दे गाड़ी। इस मार्केट में बस सिर्फ एक इशू है, वो है बाइक का। हम बाइक जो है किसी की लेके आए हैं जो रिम वाला है, तो उसकी बाइक लेके आए हैं, तो हमें जो है बाइक की टेंशन है कि बाइक कैसे चोरी हो जाए, क्योंकि तो बार बार वैसे हमें बाइक देखनी पड़ेगी। वैसे शॉप यहाँ पे ही है, लेकिन हमें जो है बार बार बाइक में निकाल देना। जो फाइनली नंबर प्लेट हमने डिसाइड की है वो है KEC43117 के, 7 के इंजन के इंजन कोड और 43 गाड़ी का नंबर प्लेट। आधा काम हो गया है, अब ये वाला पार्ट जो है वो वाइट आ जाएगा, और जो कोने वाला स्क्वायर रहता है वो हमेशा ब्लू, वो तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन येलो को इस बार जो है हमने वाइट कर दिया है कुछ चेंज के लिए। अभी आधा काम हो गया है, पेंट वाइट हो गई है, ब्लू वाला पार्ट रह गया है, अब उसको काटेंगे। प्लेट रेडी हो गई है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और रिम डलवाते हैं गाड़ी में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कराची है, बाइक पे घूमना एक टेंशन है, धूल मिट्टी है, बंदा सफेद हो जाता है। फिलहाल हम लोग जो है शॉप पे आ गए रिम्स वाली, तो मौज अभी मेरी खुशी का आलम अलग ही है, क्योंकि मैं शुरू से देखा था यार बुटन बीज मिल जाए। बुटन बीज कौन से होते हैं? बुटन बीज वो होते हैं जो कोने पे लगे हुए हैं और मैरान में भी डले हुए हैं, तो मैं समझता था कि हम XXR डाल लें, लेकिन भाई ने सरप्राइज़ किया कि हम जो है XXR नहीं डाल रहे। हम पहले भाई ने मुझे कल रात को पिक्चर ये भेजी थी कि ये वाले रेम है, लेकिन आई वॉन्टेड कि यार थोड़े डीप हों, डीप में ज़रा मज़ा आता है जब गाड़ी चलती है, डीप डिश चलती है। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि XXR डाल के जाएंगे, आज कब से शाम से वेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार जो है हम लोग इसमें बोटॉन भी डाल दें इंशाल्लाह। बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेम्स होने वाले हैं, 15 इंच में ये भी हैं, तो देखते हैं। गाड़ी की लुक बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है, मुझे अभी से पता है। XXR में थोड़ा मेरा डाउट था, लेकिन इसमें लुक इसकी इंशाल्लाह बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगी। अभी मेरी खुशी का आलम अलग ही है, सुबह से तो नहीं, दोपहर से हम यहाँ बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे क्योंकि गाड़ी वगैरह नहीं आ रही थी, तो वो सारी थकान उतर गई है और खुशी अलग है। वो टॉन बीस तो माशाल्लाह बहुत ही अलग लगते हैं, शुरू से फेवरेट है। पर्सनली मुझे डीप डिश रिम ज़्यादा पसंद आते हैं, एस यू कैन सी के ये जो रोटी फॉर्म के लगे हुए हैं, इनमें जो डिश होती है ना, इसका सारा गेम होता है। बॉसिंग्स वगैरह भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो डिश का गेम होता है वो डिश का गेम अलग ही होता है। और जो है वो टॉन बीस तो अलग ही है, मेरे खुशी का आलम इतना कि मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो टॉन बीस गेम इंशाल्लाह बहुत एंड करने वाले हैं हम इस बार, तो फटाफट डल जाए, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसी लगती है। तो बॉयज ये बुटॉन बीस जो है ये 15 JJ, क्या बोल रहा हूँ, इतनी खुशी है कि मैं 15 JJ बोल रहा हूँ। ये बुटॉन बीस जो है ये 15 इंच के 9 JJ का रेम है, वो 8.25 का XXR वो वाले जो ऊपर लगा हुआ है, और ये जो है 9 JJ है, काफ़ी ज़्यादा वाइड होगा, बहुत वाइड लुक आने वाली है। इस पर अगर हल्की सी और ड्रॉप हो जाएगी इंशाल्लाह तो बहुत ही अलग लुक आएगा। एक टायर चला गया, दूसरा निकालते हैं और फिर लगाते हैं। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, A70 के टायर उतर रहे हैं।
तो यार बॉयज़ एक मसला हो गया है इसमें जो है, ये EF से उतर रहे थे वाले रिम और इसकी एक एल की जो है वो दूसरी है, दूसरा वाला नट है, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें जो है दूसरा वाला नट लगेगा, तो इसका पूरा हब खोलना पड़ेगा रिम उतारने के लिए क्योंकि ये नट खोल नहीं रहा। बॉयज़ फाइनली रिम लग गए हैं, इस साइड के दो उस साइड के दो रह गए हैं, बस गाड़ी गई है, उसका हब चेंज होगा और फटाफट से फिर जाके इसमें आके डालते हैं। गाड़ी की लुक्स बहुत इनसेन हो गई है, गाड़ी की लुक्स ही चेंज हो गए, ऐसा लग रहा है गाड़ी नई पेंट की है अभी। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, साफ़ वगैरह हो गई, लेकिन बुटन भी सो एज़ ऑलवेज यार हमेशा से टॉप पे रहे और रहेंगे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। गाड़ी सदका भी देना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी को नज़र बहुत जल्दी लगती है, मैंने देखा है इंजन डालते हुए भी ये हुआ था, तो सबका देना पड़ेगा गाड़ी का। माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है। ये वाले रिम्स को खुदाफिज़ कहते हैं और माशाल्लाह से न्यू शूज़ पे आते हैं, इसके वजह से गाड़ी के लुक बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गए। माशाल्लाह 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 इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी, सबका भी देना पड़ेगा, इसको नज़र लग जाएगी वाला मेरी। अभी वॉशिंग चल रही है, फिर आखिरी वाला भी इसमें लग जाएगा। इसकी प्रोफाइल है 175/70R13 और अभी जो हमने डाला है वो डाला है 185/55 R15, तो काफ़ी कवर है वो, लेकिन लुक इसकी माशाल्लाह है बहुत। बॉयज़ दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वॉक, आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था, थोड़ी ख्वारी हो गई लेकिन बहुत मज़ा आया, अलहमदिल्ला गाड़ी की लुक बहुत अच्छी आ गई माशाल्लाह से, इसी वक्त सदका भी दे रहे थे, गाड़ी की नज़र भी उतार दी थी, तो बस कल जो है गाड़ी की इंशाल्लाह गाड़ी लो हो जाएगी, गाड़ी की नंबर प्लेट्स वगैरह चेंज हो जाएंगी। आप लोगों ने इसमें देखा कि हमने नंबर प्लेट्स भी बनवा ली थी इसकी, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी की लुक्स बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बस थोड़ी बहुत लो होगी तो और निकल के आएगी, तो स्पेसर्स वगैरह भी लगे हैं। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ गिव द वीडियो अ बिग थम्स अप। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज फी अमान अल्लाह। और हाँ, अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। अल्लाह हाफिज़। मुझे लग रहा है आज मुझे नींद नहीं आने वाली।